हुकूमत से मुज़ाकरात के बाद जमात इस्लामी ने लियाकत बाग रावलपिंडी में जारी धरना मौखर करके आज जलसा आम का ऐलान किया था, जिससे मरकजी कायदीन के अलावा हाफिज नईम उर्रहमान खिताब करेंगे। जलसे के मुकाम से मजीद तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इसरार खान। इसरार, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि कल हुकूमती कमेटी और जमात इस्लामी के दरमियान तमाम मामला तय पा गए थे, जिसके बाद जो लियाकत बाग के मुकाम पर जो धरना था उसको मौखर कर दिया गया था। ताहम ये ऐलान किया गया था कि आज जमात इस्लामी की जानिब से एक अजीम शान जलसा आम मुनक्किद किया जाएगा, जो कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे के मुकाम पर होना था, लेकिन बाद अजां इस मुकाम को तब्दील करके शमसाबाद मेन मरी रोड पर जो है ना ये पंडाल सजाया जाएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलसा गाह के मुकाम पर। कुर्सियाँ लगा दी गई है, मीडिया के लिए एक स्पेशल प्लेटफॉर्म लगा दिया गया है और पीछे की जानिब कंटेनर लगाकर स्टेज बनाया जा रहा है, जहाँ पर मरकजी कायदीन का खिताब होगा। और उम्मीद की जा रही है कि आज के इस जलसा आम में वर्करों की बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।